बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि यूपी टेट के एग्जाम कब तक होंगे आपके और क्या मोस्ट प्रोबेबली क्या मतलब कि मोस्टली कितना डिले हो सकता है, इस साल होगा या फिर ऐसे ही जैसे चल रहा है चलता रहेगा, G20 होगा फिर फला ढका ये सब सारी चीज़ें होंगी। G20 तो काफ़ी फायदेमंद रहा और खैर हम बात कर लेते हैं आपके जो यूपी टेट के एग्जाम है कब से स्टार्ट होंगे और इसके सिलेबस के विषय में बात कर लेते हैं। मैं इसकी स्ट्रेटजी बोर्ड पे आके समझाऊंगा आपको। यूपी टेट का फुल सिलेबस आपको इस प्लेलिस्ट के इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस चैनल के या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, या आपका सोच होना चाहिए। तो ये पहले तो यह जो ऐसे प्रशिक्षु है जो कह रहे हैं यूपी टेट का एग्जाम कब तक हो जाना चाहिए, देखिए प्रशिक्षुओं की पिछले एक साल से नहीं हुआ, अब यह साल भी बीतने को है, लगभग 4 से 5 महीने जो भी बचे हुए हैं, यानी कि 9 महीना चल ही रहा है, 10, 11, 12 3 महीने और बचे हैं, इस महीने को ले ले तो 4 महीने बचे हुए हैं, यानी कि 4 महीने में अगर देखा जाए कि अगर यह यूपी टेट का एग्जाम करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं 4 महीने में। ये 4 महीने में चाहें तो यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट भी करा लें, है ना, लेकिन चाहें तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होगा ही होगा, लेकिन यूपी टेट हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ होगा ही हो सकता है। अब देखिए पहले अगर मैं पिछले साल वाले की बात करता हूँ, यूपी टेट था नवंबर में, दो बार कराने का इनको कराना चाहिए, दो बार, लेकिन ये कराते हैं एक ही बार, तो नवंबर वाला ही कराते हैं और लगभग दिसंबर और मिड जनवरी तक इनका रिजल्ट आ जाता था, जनवरी लास्ट तक जाते जाते यही होता था, लगभग 1 महीने बाद रिजल्ट ये घोषित कर देते थे, एक ही दिन एग्जाम होता था। और इस बार अगर ये एग्जाम कराते हैं तो अगर ये सितंबर लास्ट तक भी नोटिफिकेशन निकालते हैं तो सितंबर के बाद अक्टूबर, बच्चों सितंबर के बाद अक्टूबर प्रशिक्षु, मतलब भाई अगर किसी को बुरा लग जाए बच्चों कहने पे माफ़ी दीजिएगा, मैं नहीं चाहता किसी को बुरा लगे, है ना भाई, तो सितंबर के बाद अक्टूबर, यानी कि जो यह 1 महीना का दायरा है, बीच का मीड बन रहा है ना 1 महीने का, इसमें आप तो फॉर्म ही भरोगे। अक्टूबर के बाद नवंबर, यानी कि नवंबर में आपको पूरा नवंबर 1 महीने मिलना चाहिए, समझ गए कि नहीं, जब भी आपका फॉर्म डेट क्लोज होगा, रजिस्ट्रेशन डेट क्लोज होगा, उससे लेकर उस डेट से लेकर एग्जाम कराने तक डेट तक आपको 1 महीने मिलता है, है ना, समय बीच रहता है, उसके बाद अगले महीने करा लिया जाता है एग्जाम, तो यानी कि अगर यह लास्ट सितंबर तक निकाल देते हैं तो यह कंडीशन बनता है बच्चों, समझ रहे हैं ना, अगर मिड सितंबर में भी निकाल देते हैं तो भी यह कंडीशन फॉलो करेगा, लेकिन अगर यह लास्ट सितंबर से डिले किए तो इतना समझ लेना है वही चुनाव आने वाला रहेगा ना, तो उसके पहले मोस्टली चांस यही बनेंगे कि उस चुनाव के पहले आचार संहिता लगने के पहले यह नोटिफिकेशन निकालें और जब वह आचार संहिता चलता रहेगा उस बीच में एग्जाम करा लेंगे, यह चीज़ें निकल के आएंगी सामने। जो कह रहा हूँ यह सत्य है कि नहीं सत्य है तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह 99% चांस यही बन रहे हैं इनके इनके दिमाग। मैं एक टीचर हैं, मतलब कि कल एक उनसे ही बहुत सारी जानकारियाँ हमें कलेक्ट कर लेते हैं, तो उनके माध्यम से मैं पता चला है ये चीज़ें, जो कि लगभग कह लीजिए कि PNP ऑफिस से कनेक्टिविटी उनकी काफ़ी ज़्यादा रहती है, आना जाना काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उस माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। इसमें गलत भी हो सकते हैं 2 से 3% और बाकी सत्यता इसमें काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप एक्सेप्ट करना चाहें तो एक्सेप्ट करें। और आपको एक बात और बता देता हूँ, सिलेबस इसका वास्ट है बच्चों, समझ रहे हैं ना, जो आपका सुपर टेट का सिलेबस है वही यूपी टेट का सिलेबस है, जो कहता है यूपी टेट सुपर टेट अलग है तो मात्र 20% अलग है बच्चों, जो आपको प्रैक्टिस पे आधारित है, अगर 20% प्रैक्टिस करते हैं वो भी कवर हो जाएगा, अगर DLED के सभी सेमेस्टर के सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो वही सिलेबस है यूपी टेट का सभी चीज़ें, लेकिन हिंदी इंग्लिश संस्कृत, मतलब जो बच्चे इंग्लिश लिए हैं इंग्लिश, जो संस्कृत लिए हैं संस्कृत, लेकिन सुपर टेट में तो सभी कब पढ़ना पड़ेगा, तो इस वजह से यूपी टेट के चारों सेमेस्टर के सॉरी DLED के चारों सेमेस्टर के सारी चीज़ें अगर आप पढ़ जाते हैं हर एक सब्जेक्ट, तो यूपी टेट तो यूँ निकालेंगे और सुपर टेट के लिए भी 80% तैयारी आपकी हो जाएगी, यह चीज़ें मैं कह रहा हूँ। तो जो बच्चे यूपी टेट का भरपूर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 120+130+ लाना चाहते हैं, तो DLED के सभी सब्जेक्ट हर एक सेमेस्टर के चारों सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज जरूर करें। और दूसरी तरफ सिलेबस में बता देता हूँ क्या है इसका, लैंग्वेज है, अब CTET की तरह नहीं बच्चों इसमें कि आपने इंग्लिश कंपलसरी है एक में तो दूसरे में इंग्लिश नहीं ले सकते बच्चों, यह चीज़ें क्योंकि मैं बता देता हूँ इसमें हिंदी कंपलसरी है बच्चों, है ना, तो हिंदी 30 नंबर का, यह हो गया मैथ 30 नंबर का, EVS 30 नंबर की, और हिंदी मैथ EVS बच्चों, मैथ हिंदी EVS ये तीनों काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, बच्चे कभी कभी जो थोड़ा से होते हैं पढ़ने वाले उसमें एक भी प्रश्न इनका गलत नहीं होता है, यानी कि 90 नंबर ऐसे ही ला देते हैं, और रहा CDP का 30 नंबर,
CDP 30 नंबर, इसमें भी काफ़ी आप स्कोर कर सकते हैं। जो बच्चे DLED से रिलेटेड हैं बहुत बेहतरीन कर सकते हैं इसमें। इसके बाद जो रहा आपका लैंग्वेज, इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक आप ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा मामला नहीं फंसेगा सीटेट वाला कि भाई पेडागॉजी है तो सभी लैंग्वेज एक समान होते हैं, बस वो संस्कृत में रहेगा या इंग्लिश में रहेगा हिंदी में रहेगा, नहीं। संस्कृत में संस्कृत का ग्रामर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हिंदी में हिंदी वाला ग्रामर इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन आते हैं प्लस एक पैसेज होता है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। यह रहा सिलेबस आपका, 30-30 नंबर का रहेगा, 150 नंबर का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और लगभग 150 मतलब 150 मिनट भी होगा ना, 2.5 घंटे मिलते हैं शायद, 2 से 2.5 घंटे यही मिलेंगे आपको, 120 मिनट प्लस 30 मिनट और जोड़िए तो 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। यह रहा पूरा प्रोसेस आपको, अगर कोई भी इसमें एक तरह से चेंजेज आते हैं तो उसके माध्यम से आपको उस चेंजेस जो भी न्यूज आएगा उसके माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जो पार्ट टू की बात कर रहे हैं बच्चे कि पार्ट टू में सर क्या सिलेबस रहेगा, सेम सिलेबस रहेगा, मैथ रहेगा, सॉरी हाँ बच्चों आपका CDP तो रहेगा ही रहेगा, लैंग्वेज भी रहेगा और हिंदी भी रहेगा, ये तीनों चीज़ें रहेंगी। क्या क्या मैंने बोला, आपका EVS रहेगा 30 नंबर का, आपका लैंग्वेज रहेगा इंग्लिश और संस्कृत में से कोई एक आप ले लेंगे 30 नंबर का हो गया, और 30 नंबर में आपकी जो एक तरह से हिंदी या रहेगी, ये तीनों चीज़ें तो रहेंगी। मैथ वाला और साइंस वाला पोर्शन उन बच्चों के लिए होगा जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, या 60 नंबर का होगा, और सोशल साइंस वाला यानी जो EVS वगैरह ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सब मिला के आएगा, ये 60 नंबर उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे एक तरह से BA किए होंगे किसी एक तरह से, मतलब जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होंगे, ये समझ लीजिए बच्चों। और बाकी सब सेम है, नंबर भी उतने, टाइम भी उतने, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और दोनों जो फर्स्ट पेपर है सेकेंड पेपर है DLED के सभी प्रशिक्षकों के लिए ये दोनों पेपर अलाउ होंगे, बच्चे इस दोनों को देंगे, ठीक है। अब इसमें यह नहीं पूछना है कि हमारे लिए पार्ट टू सर हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं आप, ठीक है ना। धन्यवाद बच्चों, अगर कोई और डाउट रहा हो तो आप जरूर से ज़रूर पूछिएगा, मैं बहुत जल्द ही आपके सामने बोर्ड पे आने वाला हूँ, और आपके पिछले जैसे मैं मैथ पढ़ाता था वैसे मैथ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों, है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल में मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रखा हूँ हर एक सब्जेक्ट, प्लेलिस्ट में आ जाइए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिए, आपको हर एक चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा। प्रीवियस पेपर भी मिलेंगे आपको, है ना, 2011 से जब से UPTET स्टार्ट हुआ है जितनी बार एग्जाम हुआ है 2021 तक सब आपको मिलेगा। धन्यवाद।